हमारी पार्लियामेंट का यह फैसला है और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फैसला यह है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएन में आग लग जाए, अमेरिका में आग लग जाए, हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तान को ठीक लगता है। बलूचिस्तान में जो जो गलतियां आपने की है, जो मास ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई है, जो मास ग्रेव्स निकली है, जो उनके जो वहां पे रेप सेल चला रही है आपकी फौज, हम आपको बता रहे हैं कि ये अगर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अगर नहीं सपोर्ट करती है तो सबसे पहला इंसान मैं होऊंगा और मेजर साहब होंगे जो जाकर के सबसे पहले इस बात पे धरना देंगे कि आप बलूचों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। बिकॉज बलूचों का सपोर्ट करना इंडिया का इंडिया की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर इंडिया उनका सपोर्ट नहीं करता है तो इससे ज्यादा मतलब दुख की बात हिंदुस्तानी कौम के लिए कोई और दूसरी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो कोई कौम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी एक कौम है, क्योंकि हमारी तारीख 10,000 साल पुरानी है, 10,000 साल से एक साथ रह रहे हैं। हमने हमने बलोचों के साथ खड़ा होना है, हम खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। जैसे मेजर साहब कहते हैं जी भारत के खिलाफ अगर कोई हथियार उठाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तो आपको लगता है कि बलोची जो है वो बलोच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए और हम बैठे देखते रहे? ना देखें आप और आप देखते भी नहीं कभी आपने नहीं तो आपने जो सपोर्ट करते आप लोगों का क्या लेना देखिए मैं आपको मैं अगर अगर आप उनको मार रहे तो हम आपका हाथ पकड़ने तो नहीं जा रहे ना। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम जेनेवा जाएंगे, हम यूएस जाएंगे, हम अरब कंट्रीज को जगाएंगे और ये तशद्दुद हो रहा है और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही। मतलब इंडिया से तो कभी इस तरह की आवाजें नहीं उठी ना। तो आप मतलब आपको हमने कभी मना नहीं किया कि आप भाई आपको जो एक्शन लेना आप ले, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप जो कश्मीर के लिए जो वो जी वो हमारा इंटरनल मैटर है ना, और ये कश्मीर वाला इशू जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है, वो ये फर्क है। इंटरनल और 5 अगस्त 2019 के बाद तो 100% हमारा इंटरनल मैटर हो गया। और सुनिए सागर साहब एक मैं बात बताऊं आपको, मैं वैभव माफी चाहूंगा मैं बीच में बोल रहा हूं, एक तो मेरी आदत हो गई बड़ी बीच में बोलने की तो मैं दूसरी बार इंटरप्ट कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। फकर साहब मैं एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि कश्मीर का मसला क्योंकि यूएन का मसला है, क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट? हमारी पार्लियामेंट का ये फैसला है और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फैसला ये है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएन में आग लग जाए, अमेरिका में आग लग जाए, हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तान को ठीक लगता है, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएन कहे, यूएस कहे, इंग्लैंड, अब वो लेबर पार्टी है भैया, आपकी यूके की लेबर पार्टी, लेबर पार्टी कहती है कि हम कश्मीर के बारे में हम राय रखते हैं। लेबर पार्टी कितनी है, उससे ज्यादा एमपी तो हमारे 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये कौन सी लेबर पार्टी है जिसकी कश्मीर पर राय है? कितने पैसे हैं लेबर पार्टी के पास? ये पॉइंट मैं आपसे इसलिए मैं फुली डिसएग्री कर रहा हूं कि जो भी लोग मतलब आपका आपके यहां मैं जो चीजें पढ़ता हूं तो वो जो भी इवन मोदी जी ने अभी कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट की थी मुसलमानों के हवाले से कि भाई अगर ये कोरोना के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये हो सकती है एक पैंडेमिक है, किसी की वजह से भी हो सकती है। किसी ने ये नहीं भाई साहब, किसी ने ये नहीं बोला कि मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है, हम कह रहे हैं कि तबलीगी जमात रिस्पॉन्सिबल है, नॉट मुसलमान। मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा आपसे, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने जब थोड़ा सा उनको लगा कि यार ये चीज खराब हो रही तो उसने मतलब स्टेट पर और अपने लोगों को कहा कि भाई आप इस तरह ना करेंगे, कोई मतलब ऐसा नहीं है किसी की वजह से, मुसलमान थे नहीं थे उनकी वजह से पूरी दुनिया में चाइना तो उन्होंने उनको जो गालियां पड़ी। जी जी प्लीज ना हो जाए मेरी बात सुन लें कि पहली बात तो कभी कभी आप बुरहान मनी के प्रेस सेक्रेटरी बन जाते हैं, कभी आप हरबियार मरी का बता देते हैं वो क्या याशिया कर रहा है लंदन में, आप उसके भी बूट लेकर बन जाते हैं, फिर आप कभी आप बताने लगते हैं कि मोदी ने क्या करा तो क्यों करा। देखिए आप अपना ओपिनियन रखें, आप ये ना बताएं कि उन्होंने क्यों करा, मोदी ने क्या क्यों करा, ये सिर्फ मोदी को पता है। ये जो अपने आप को बड़े बड़े जगाधरी बनते थे ना मीडिया में, इंडियन मीडिया में, जिनको बड़ी जराए के जरिए उनको बड़ी खबरें मिलती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और यहां वहां से, उनको भी भनक नहीं लगती कि कब क्या डिसीजन ले लेता है। डिमोनेटाइजेशन हो गया, किसी को पता भी नहीं था, उसके अपने कैबिनेट के लोगों को नहीं पता था। तो मोदी क्या किया, क्यों किया, उसके ऊपर अगर फखर यूसुफ जई को पता है ये तो मतलब कोई भी नहीं मानेगा। और मेरी बात सुन ले, जो इन्होंने सवाल पूछा कि बलोचिस्तान में बलोचों को हम अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं? देखिए बलोचों का जो मसला है, बलोच हमारे भाई हैं, हमारा उनसे रिलेशन 5,000 साल पुराना है, ठीक है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आप उनको सपोर्ट करें या ना करें, वो आपका मसला है। हम लेकिन
ये चीज आप डिसाइड कर लें। ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत है वैभव। मैं तो अगर उनको हमारी आवाज जा रही तो मैंने ये बात कही कोई आप लोग के कैबिनेट के अंदर चला गया था हिंदुस्तान के, मैंने कहा कि उनकी ट्वीट थी उसके ऊपर फिर स्टोरी आई थी, मैं वो पढ़ के मैं वो बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल उस चीज की मुझे वो नहीं है। दूसरी बात आपने की कि मैंने हर बिहार मरी और बुरहान वानी, बात वो हो रही है कि जब वो डिस्कशन में आएगी तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपने बात करनी है हर बिहार मरी, क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ उसने आवाज उठाई है, हमारे मुल्क के खिलाफ वो लड़ेगा तो लाजमी सी बात है उसके ऊपर हमने बात करनी है। अगर बुरहान वानी जो है उसको हम एक जिसे कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर है कश्मीर का, कश्मीरी लोगों का वो हीरो है, उनके लिए वो लड़ रहा है तो यकीनन हम उसको कहेंगे कि वो जो है मतलब पाकिस्तान जिस तरीके से बात करता है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर एक पुराना इशू है, तो वो हमने करनी है वो बात। लेकिन मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, छोटा सा मैं आप लोगों को दोनों को बता दूं, मेरे साहब को भी और गौरव भाई आपको भी, कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि दुनिया में कोई भी अगर इंडिया के खिलाफ कोई बात करता है, जिस तरह लेबर पार्टी की आपने बात की, आपने वो अरुण रॉय गालिबन उनकी बात की, या फिर अशोक है, या फिर वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती है राणा अयूब, मतलब इस तरीके से आप समय आप पता है क्या उस दिन प्रिंसेस की भी आपने बात की कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर उनकी हैसियत नहीं है, मैं कहता हूं कुछ भी उनकी हैसियत नहीं है, वो जीरो बटा जीरो है, फिर आप क्या उनके ऊपर डिस्कशन क्यों होती है उनके ऊपर, इसका मतलब देखिए 130 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ पे 150 से ज्यादा चैनल है, 24 घंटे का चैनल चलाना है, हमको टॉपिक चाहिए, हम तो इधर कल को अगर आप कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कहेंगे तो हम आपके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे या कोई ना कोई मीडिया हाउस कर लेगा। और वो उसके ऊपर किसने डिस्कशन किया, क्या उसके ऊपर नेशनल मीडिया ने डिस्कशन किया, क्या उसके ऊपर किसी और ने डिस्कशन, नहीं उसके ऊपर जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन्होंने डिस्कशन किया करें, वो तो दुनिया भर की चीजों पर डिस्कशन करते हैं। और देखिए मैं जो जवाब दे रहा था जो सवाल था बलोचों का, मैं ये बात बता दे रहा हूँ कि बलोच हमारे भाई हैं, 5000 साल से हमारे भाई हैं, वो हमारा उनके साथ तारीखी रिश्ता है, हम उनके साथ पहले भी थे, हम उनके साथ आज भी थे। आपके यहाँ से हमेशा ये आवाज उठती भाई अफगानिस्तान से हिंदुस्तान का क्या लेना देना है, बलोचिस्तान से का भाई, ईरान हो अफगानिस्तान हो बलोचिस्तान हो, इनसे हमारे रिश्ते जो है जब पाकिस्तान जब से बना है ना उससे 10 गुना ज्यादा पुराने हमारे उससे ताल्लुकात है, प्री इस्लामिक टाइम से है, प्री इस्लामिक टाइम से भाई। हाँ और ये और हम आपको ये भी बता देते हैं कि बलोचिस्तान में जो गलतियां आपने की है, जो मास ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई है, जो मास ग्रेव्स निकली है, जो उनके जो वहां पे रेप सेल चला रही है आपकी फौज, हम आपको बता रहे हैं कि ये अगर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अगर नहीं सपोर्ट करती है तो सबसे पहला इंसान मैं होऊंगा और मेजर साहब होंगे जो जाकर के सबसे पहले इस बात में धरना देंगे कि आप बलोचों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज बलोचों का सपोर्ट करना इंडिया की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर इंडिया उनका सपोर्ट नहीं करता है तो इससे ज्यादा मतलब यू नो दुख की बात हिंदुस्तानी कौम के लिए कोई और दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो कोई कौम नहीं है लेकिन हिंदुस्तानी एक कौम है, क्योंकि हमारी तारीख 10,000 साल पुरानी है, 10,000 साल से एक साथ रह रहे हैं, हमने हमने बलोचों के साथ खड़ा होना है, हम खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे।